हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंहासन में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद आपके पास एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं और ऑन डिमांडिंग वीडियो आपका एंटी लॉक। कैसे सॉल्व करेंगे एंटी लॉक के क्वेश्चन? सर, एंटी लॉक टेबल की देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल उसी तर्ज पे हम लेके आएंगे जैसे हम लोग लॉक का वीडियो देख रहे हैं। अभी चैनल के ऊपर आप देख रहे होंगे कंडीशन कि लॉक का वीडियो में मैंने कहीं भी लॉक के क्वेश्चन में लॉक टेबल का यूज नहीं किया। विदाउट लॉक टेबल आप लॉक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे एंटी लॉक को लेकर आ रहा हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अब मैं तैयार हो गया हूं। कमर कस लीजिए आप 2020 की तैयारी करने वाले, 2021 को टारगेट बनाने वाले। जिनका टारगेट 20 है या 21 है वो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब लगातार आपके पास वीडियो आता रहेगा मेरा, और एकदम एक से एक वीडियो आएगा जो आपको जेई और एडवांस, जेई मेंस और जेई एडवांस, नीट और एम्स से लेकर बोर्ड तक के सारे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। एंटी लॉक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे केमिस्ट्री हो या तो फिजिक्स का कंडीशन हो, आपको ये लॉक बहुत हेल्प करेगा। एंटी लॉक बताने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देना चाह रहा हूं कुछ बातें। जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन, लॉग वन का वैल्यू अगर आप देख रहे थे तो 0 था, लॉग टू का वैल्यू आप देख रहे थे 0.3010, लॉग थ्री का वैल्यू आप देख रहे थे 0.4770 और लॉग फोर का वैल्यू आप देख रहे थे 0.6020, राइट। लॉग फाइव का वैल्यू 0.6990, लॉग सिक्स का वैल्यू 0.7780, लॉग सेवन का वैल्यू 8485, लॉग एट का वैल्यू 0.9030, लॉग नाइन का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.9540 और लॉग टेन का वैल्यू आप चीन परिचित है बिल्कुल 1, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, आप लॉग का वैल्यू पढ़ चुके हो पहले से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर एंटी लॉग क्या होगा। एंटी लॉग, लॉग का जस्ट उल्टा लग रहा है, एंटी लॉग। जैसे आप समझो ध्यान से, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं। जैसे लिख रहे हो कंडीशन लॉग टू, लॉग टू का वैल्यू आप 0.3010 लिख रहे हो। थोड़ा इसको अपने देसी स्टाइल में सोचो, इसको आप लिख सकते हो 2 = 1/log लिख दो आप देसी स्टाइल में 0.3010, और लॉग का उल्टा एंटी लॉग, इसको जनरली हम लिखेंगे एंटी लॉग, और एंटी लॉग 0.3010, ठीक है। बोलो, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एंटी लॉग लिखोगे, एंटी लॉग को लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है टू द बेस 10, मतलब आप लिखोगे 10^0.3010, इसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2, राइट। तो आप देख रहे हो कंडीशन की लॉग टू का वैल्यू ये है और एंटी लॉग इसका वैल्यू ये है, मतलब जो लॉग टू का वैल्यू होगा एंटी लॉग इसका वैल्यू जस्ट रिवर्स इसका होगा। बोलो क्लियर है। जैसे मान लो आप लिख रहे हो लॉग 5 = 0.6990 लिखते हो, अगर ऐसा कंडीशन लिखोगे तो 5 = आप लिखोगे क्या, 1/log, 1/log मतलब एंटी लॉग 0.6990, राइट। और एंटी लॉग को लिखने का तरीका क्या बोला, टू द बेस 10, मतलब आप 5 = 10^0.6990 इसको पढ़ेंगे एंटी लॉग 0.6990, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, 5, राइट। जैसे मैं इस तरह का कंडीशन लिखना चाह रहा हूं, मान लो मैं लिख रहा हूं कंडीशन, ऐसा कंडीशन आपके पास आ गया, ऐसा कंडीशन बन रहा है लॉग एक्स, ये लिख रहा है, ये है आपके पास लॉग एक्स, ठीक है। अगर आप लॉग एक्स या लिख रहा हूं कंडीशन यहां पर इस तरह का केस, मान लो लिख रहा हूं कि लॉग सेवन, लॉग सेवन का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.8485 है, 8485 है। अब मैं कुछ ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं, आप सोचोगे सर कैसा कंडीशन लिखोगे आप, ये तो हो गया कंडीशन। अगर एंटी लॉग इतना पूछे, अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछे कि एंटी लॉग 0.8485 का वैल्यू बताओ, तो भैया ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 7, राइट। और एंटी लॉग को लिखने का तरीका क्या है, टू द बेस 10, 10^0.8485 लिखेंगे। बोला है, समझो। अब मान लो ऐसा कंडीशन हो, जैसे लिख रहा हूं एंटी लॉग 3.4770, ऐसा लिख रहा हूं, मैंने बोला एंटी लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, टू द बेस 10 लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे 10^3.4770, राइट। इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, 10^3 और इसको प्लस 0.4770, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हो 10^3 और इनटू 10^0.4770। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कंडीशन, यहां देखो ये ऐड हो रहा है ना, अगर ये ऐड हो रहा है
तो निश्चित तौर पर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर हमेशा ऐड होगा, बोलो क्लियर है। अब जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 10^3 तो है, अब 10^0.4770 किसके बराबर होगा भैया, 0.4770 किसका था, log 3, तो ये एंटी log इतना का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, सो आंसर 3 × 10^3 कितना 3 होगा, राइट। जैसे एग्जांपल अगला देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरह का कंडीशन, एंटी log 6.6990 ऐसा मैंने लिख दिया मान लो, तो लिखने का तरीका होगा टू द बेस 10, मतलब 10^10 क्या 0.6990 लिखो गया, राइट, मतलब आप लिखोगे 10^6 और प्लस 0.6990 ये लिखो गया, मतलब आप इसको लिखोगे 10^6 × 10^0.6990, राइट। अब दिमाग में आएगा कि सर ये किसका वैल्यू है, ये तो एंटी लॉग 0.6990, तो एंटी लॉग 0.6990 का वैल्यू जस्ट उल्टा किसके बराबर होगा, 5, सो ये वैल्यू आपको मिलेगा 10^6 तो है, और ये 5 आंसर हो गया 5 × 10^6। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एक ऐसा मेथड है पूरे लाइफ टाइम आपको एंटी लॉग केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो, लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन आपके बहुत इजी होने जा रहे हैं, एंटी लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन आपके बहुत इजी होने जा रहे हैं, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग आप दोनों पढ़ चुके हैं, गलती की संभावना खत्म, हाई स्कोर करना है, जोश जुनून के साथ शुरू करना है सेशन की तैयारी, क्योंकि अब हम लोग लगातार मिलते रहेंगे, जल्दी जल्दी हमारा वीडियो बता रहेगा, बहुत दिन से ब्रेक हो गया, अब ये ब्रेक नहीं होने का, कुछ टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब नहीं, अब तो बिल्कुल जुनून के साथ, अब की बार और दमदार। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास लिख रहा हूं, देखना अगला टाइम, अभी तो ये था कि सर इससे वैल्यू मैच कर गया, मान लो इससे वैल्यू मैच ना करे, मान लो इस तरह का कंडीशन आपके पास बन जाए, ये लिख रहा हूं कंडीशन एंटी लॉग 3 पॉइंट, और ये लिख रहा हूं कंडीशन 3.7, मान लो इस तरह का केस आ गया। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका होगा टू द बेस 10, मतलब 10^3.37 इसको आप लिखेंगे, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 10^3 और प्लस लिखेंगे 0.37, इसका मतलब आप इसको लिखोगे 10^3 और इनटू 10^0.37 लिख सकते हो। बात है कि ये वैल्यू जो है वो किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहा है, यहां पे ना इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा, यह है 10^3 और इनटू, यहां देखो आप 10^0.37 0.37 अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 0.30 और 0.47 के बीच में है ना, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में वैल्यू आएगा, तो आप लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग, तो इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कौन है 2, तो लिखोगे लोवेस्ट वैल्यू और पॉइंट समथिंग, बात है सर ये समथिंग कैसे निकलेगा, क्या है समथिंग का कॉन्सेप्ट, समझो ध्यान से, यह आपके पास कंडीशन है 0.30 और यह है 0.47, अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17 डिजिट है, आपको चलना है 0.37, मतलब 7 डिजिट तक चलना है आपको, 17 नहीं कहां तक 7, तो थोड़ा सा आइडिया लगा लो भैया, यहां से यहां तक ये 100% मान लिया हमने 17 डिजिट को, आपको 7 चलना है, मतलब लगभग 30-40% चलना है आगे, यहां से 40% बढ़ेंगे मिल जाएगा ये 40% मतलब 40/100 और 40/100 मतलब 0.40, सो आंसर हो गया 2.40 और इनटू 10^3, बोलो क्लियर है, एप्रोक्सीमेशन में 0.3 भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के बाद तो 0.1 चलेगा, समझ रहे मेरी बात, तो बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये, आपको जरूरत ही नहीं है टेबल का, बिना टेबल का सॉल्व होगा, सोचोगे सर एक दो एग्जांपल और, बिल्कुल, जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन एंटी लॉग, समझिएगा ध्यान से, एंटी लॉग 11.63, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया मान लो, माय डियर स्टूडेंट्स अगर एंटी लॉग लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका बोला टू द बेस 10, मतलब 10^11.63 आप इसको लिखोगे, मतलब इसको 10^ आप 11 और प्लस 0.63 लिखोगे, तो ये तो लिखोगे 10^11 और इनटू 10^0.63, राइट, यहां तो कोई लफड़ा नहीं है, ये तो 10^11 ठीक है, बात है सर ये 0.63 इसको किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, यहां से बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन जरा आप देखो 0.60 और 0.69 के बीच में 0.63 आ रहा होगा, मतलब 4 और 5 के बीच में आ रहा होगा, तो आपका लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा 4, तो आप लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग, फिर से वही क्वेश्चन आएगा सर समथिंग कैसे निकालेंगे, डियर स्टूडेंट्स ये 0.60 और 0.69 है, 0.60
0.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69. थोड़ा सा आइडिया लगा लो आप, एक दो बार में आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। वैसे तो जमाना जियो का है पर आइडिया लगाना है राइट, क्योंकि इसका आंसर जियो से नहीं आइडिया से मिलने वाला है। यहां 6 से लेकर 0.69 है, आपको चलना है कहां तक 0.63, यहां से यहां तक। जरा भैया आइडिया लगा लो, 40% बढ़ रहे हो, 40% बढ़ रहे हो तो 40/100 मतलब कितना 0.4, सो आंसर होगा 4.4 × 10^11। आया तो बहुत सिंपल आंसर आपको मिलेगा एंटी लॉक का, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं भी दिक्कत आ जाए, किसी भी वैल्यू को निकालने में अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा कि बिना एंटी लॉक टेबल के उस एंटी लॉक का वैल्यू कैसे निकालोगे आप। एक एग्जांपल और लेके आना चाह रहा हूं, जैसे मान लो इस तरह का केस लिख रहा हूं, यह लिख रहा हूं कंडीशन एंटी लॉक और लिख रहा हूं कंडीशन यहां पर एंटी लॉक 9.79 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने राइट। अगर लिखेंगे इसको तो लिखने का तरीका टू दी बेस 10 मतलब 10^9.79 मतलब लिखोगे 10^9 और प्लस 0.79 मतलब 10^ लिखेंगे आप 9 और इंटू 10^0.79 ठीक है। बात है 0.79 तो मैच नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, 0.77 और 0.84 के बीच में ही तो है 0.79 मतलब 6 और 7 के बीच में है, तो इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू 6 होगा, तो आप लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग मतलब 6 point something। अब बात है सर ये समथिंग अगर निकल जाए तो आंसर मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया लगाओ, यहां पॉइंट क्या है 77 और इधर है 0.84 मतलब 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 और 84 यहां से यहां तक बेटे आप 100% मान लो आपको यहां तक चलना है मतलब लगभग 30% चलना है, 30/100 मतलब 0.3, सो आंसर 6.3 × 10^9 कितना 9। बहुत इजी ट्रिक है, इजीली आप एंटी लॉक के क्वेश्चन करोगे, बहुत दिक्कत होता है पीएच वगैरह के क्वेश्चन निकालने में आपको, अब क्यों दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैंने आपको तरीके जो बता दिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अभी अगला कंडीशन, इसमें एक एग्जांपल और लेके आ रहा हूं अगला टाइप क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि कहीं कहीं पे जब आप पीएच निकाल रहे होंगे तो माइनस का भी फॉर्मूला आएगा, तो अगर नेगेटिव आएगा एंटी लॉग में तो इस तरह का वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका होगा नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने का। नेक्स्ट कंडीशन देखो, जैसे लिख रहा हूं ऐसा केस होंगे एंटी लॉग -3.43 मान लिख दिया मैंने, ठीक है कुछ भी लिख दो -3.43 या -3.45 वैसा लिख दिया मान लो, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा 10^-3.43 ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 10^-3 -0.45 कोई दिक्कत नहीं, एक देसी स्टाइल याद रखना है आपको, करना +1 -1 कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाले को ले जाना आखिरी के साथ, बीच वाले को बीच के साथ, तो आप लिखोगे 10^-3 और -1 -4 और ये हो जाएगा 1 पे इतना चला जाएगा तो 0.65 मतलब ये कंडीशन आपके पास 10^-4 और इनटू 10^0.65। अब बात है सर ये 0.65 का वैल्यू क्या होगा, ये तो ठीक है सर 10^-4 है, 0.65 मैच नहीं कर रहा मतलब इसके इसके बीच में है 0.65 मतलब 4/5 के बीच में है, तो लोएस्ट वैल्यू 4 है तो लिखेंगे लोएस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग। अब रहा समथिंग कैसे निकलेगा सर, 60 से लेकर 69 यहां है, यहां आपको चलना है 0.65 तक मतलब 60% ऑलमोस्ट, 60% मतलब 60/100 मतलब 0.6, सो आंसर 4.6 × 10^-4। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक आपको नेगेटिव वैल्यू वाला जरूर आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे लिख रहा हूं एंटी लॉक -7.71 ऐसा लिख दिया मैंने कुछ, रिप्रेजेंट करने का तरीका 10^-7 और -0.71 लिखेंगे आप राइट। मैंने बोला कंडीशन आप +1 लिखेंगे -1, फर्स्ट को आखिरी के साथ बीच को बीच के साथ, सो 10^-7 और -1 10^-8 और 1 -7 अगर इसको देखेंगे तो 0.29
मतलब 10 का पावर माइनस 8 और इंटू 10 का पावर 0.29 आप लिखेंगे इसको। बात है सर, ये तो ठीक है, 10 का पावर माइनस 8 और 0.29, देखो ना आप लॉग 1 और 2 के बीच में आएगा 0.29, यहां पे आएगा ना 0 और 0.30 के बीच में 0.29, इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1 पॉइंट समथिंग। अब 0.29 इसके बिल्कुल करीब है, मतलब अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% है, 90% मतलब 0.9 मतलब 1.9 इंटू 10 का पावर माइनस 8 आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप नेगेटिव वाले पैटर्न को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, और देखने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया होगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर इसका वैल्यू बताइए, मैं जरूर आपको इसका वैल्यू बताऊंगा। और ध्यान रहे, अब हम लोग इतने दिनों के बाद ही मिला करेंगे, हमारी मुलाकात जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी हम वीडियो डालेंगे, बहुत अच्छे वीडियो डालेंगे, एकदम क्वालिटी ऑफ वीडियो डालेंगे और कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालेंगे जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के दीजिए कि सर मुझे ये चाहिए टॉपिक, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। एकदम लगातार वीडियो बनता रहेगा, लगातार हम और आप मिलते रहेंगे, मेरे साथ यही बने रहिए और मुझे देखते रहिए। थैंक यू सो मच।